जी जी नमस्कार महेंद्र जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल कर लीजिए। आदाब अच्छा जी, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद। आपकी आवाज तो अमरीश पुरी जैसी आ रही है। जी हाँ अमरीश जी पुरी याद है ना आपको? हाँ जी, बताइए। ऐसा है डॉक्टर साहब, मुझे जो है करीब 8-9 महीने से कफ की शिकायत है। तो जैसे खाना खाता हूँ, चाय पीऊंगा या नाश्ता करूंगा तो म्यूकस टाइप कफ जमा हो जाता है गले में। सुबह उठूंगा तो भी रहेगा, तो मैं घरेलू कुछ ऐसे उपचार करता रहा हूँ लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? और तो कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गुनगुना पानी भी मैं लेता हूँ, ठंडा पानी नहीं लेता, खट्टी चीज नहीं लेता। जो जिन चीजों से मुझे एलर्जी लगती है उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 70 ईयर्स है। अच्छा, काफी एज में अच्छी कड़क आवाज है आपकी और मजबूत लगते हैं आप। अभी देखा तो है नहीं मैंने आपको, लेकिन एक नुस्खा जो मैं हमेशा बताता हूँ, आप अगर अभी जुड़े हैं तो नहीं मालूम होगा, नहीं तो लोगों की डायरियों में लिखा हुआ है, ये बड़ा फायदा करता है। और एक प्रोग्राम में कई बार बताता हूँ एक एक नुस्खा, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। नहीं तो अब मेरे व्हाट्सएप वो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं, और यूट्यूब पर हकीम सुलेमान सर्च करें तो आपको बहुत नुस्खे मिल जाते हैं। अगर प्रोग्राम में फ़ोन नहीं लगता, इसमें तो पूरा समझाया गया, जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही क्लिप काट के यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो आपको बार बार सुनने की आसानी हो जाती है। ये सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान उन्नाब एक दवा का नाम है, और अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक दवा है। तीन चीज़ें हैं ये, सपिस्तान उन्नाब अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और पीपलें आपके किचन में ज़रूर होंगी, गरम मसालों में पाई जाती हैं। 30 ग्राम पीपलें ले लें, 300 ग्राम ये तीनों चीज़ें, 100-100 ग्राम इनको पाउडर बना के सुबह ही सुबह एक चम्मच ये पाउडर खाकर और गर्म पानी पिए दिन में एक बार सुबह और एक बार रात को। आपका ये मर्ज कहाँ गया आप ढूंढते रहेंगे, और खट्टी चीज़ें आप खुद ही नहीं खाते, तो बहुत जल्दी आपको फायदा होना मुमकिन है।